Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN 24. Namaskar, main hu Manoj Tiwari aur INN 24 news channel ke sabhi darshakon ko mere taraf se dher sari shubhkamnaye. Hi guys, mera naam hai Rajdeep Chatterjee. Please keep watching INN 24. नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड के गिरिडीह में एक दिन का कौशल रोजगार आयोजित, भारी संख्या में उमड़ी बेरोजगार युवाओं की भीड़। झारखंड के दुमका को मिली बड़ी सौगात, उड़ान योजना के तहत अब करेंगे आसमानी सफर, पायलट बनने मिलेगा प्रशिक्षण। शराब कारोबारियों पर झारखंड के हजारीबाग पुलिस ने कसी नकेल, 5 आरोपियों से सैकड़ों लीटर शराब बरामद। राज्य की शिक्षा मंत्री श्रीमती नीरा यादव गिरिडीह के गांडे पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित ओबीसी मोर्चा की बैठक में शिरकत करते हुए कहा कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। वही सरकारी विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार छात्र व छात्राओं के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने वाली है, जो 2018 से दिखाई देगी। अगर हम बात करें कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली की कमी है, पानी की सुविधा नहीं है, बच्चे बोरे में बैठते थे, बेंच डेस्क नहीं थी, या उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य चल रहा है। इसलिए ना तो बैठने के लिए वहाँ का वातावरण को कहीं दिक्कत होगी और ना ही शिक्षकों की कमी को। हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि हजारीबाग अल्पसंख्यक जिला महामंत्री व्हाट्सएप ग्रुप में भाजपा अल्पसंख्यक हजारीबाग जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी कसने से नाराज हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निजाम अंसारी पर पार्टी हाईकमान से कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बरही में रहते हैं, उन्होंने एक गलत पोस्ट किया 3 तलाक के मामले को लेकर के। तो मोदी जी के इरादे नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ, मजबूर होकर के मुझे बुलाना पड़ा, कि एक ये पद अच्छे पोस्ट पर बैठ करके, जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर बैठ के अब पार्टी का ही ये अपमान कर रहे हैं। संदेश देते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, स्पष्टीकरण दे, अपने से वो लेफ्ट होकर निकल गए ग्रुप से। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संघ के छात्रों ने सामूहिक रूप से धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि जो चुनाव की तारीख की घोषणा अब हुई है, उसे 4 माह पूर्व ही हो जानी चाहिए थी। साथ ही छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अब चुनाव की घोषणा कर कई छात्रों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित भी किया जा रहा है। वही छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव देर से कराए जाने का मतलब साफ है कि एक पार्टी विशेष के हित में विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्य कर रहा है। अगर यही हालत बनी रही तो आने वाले दिनों में विभिन्न छात्र संघों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कई छात्रों का लगभग जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक उन्हें चुनाव देने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था, लेकिन छात्रों का आंदोलन को देखते हुए उन्हें चुनाव देने का, वोट देने का अधिकार दिया गया है। पिछले साल भी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में ऐसे ही 400 छात्रों का टोटल, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के 600 छात्र हैं, इसमें से मात्र 200 लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था और लड़ने का भी अधिकार दिया गया था। ऐसे तमाम समस्याएं लगातार आ रही हैं, जिसे लेकर के विश्वविद्यालय के समक्ष हम सभी छात्र आज इकट्ठा हुए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पिछले साल हमारे छात्रों के, जो छात्र संघ चुनाव का उल्लंघन करवाए थे, किसी विशेष पार्टी को समर्थन किए थे, उन्हें दूर किया जाए छात्र संघ चुनाव से। साथ ही साथ जो नॉमिनेशन का जो दिन दिया गया है, 23 से लेकर के 2 तारीख तक कोर्ट बंद है, एफिडेविट करवाना है, उसे बढ़ा करके 2 दिन किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन गुरुवार को झंडा मैदान में किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीवुड सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर DDC किरण कुमारी, पासी जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, SLP SK संजय गुप्ता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक हसनैन वारसी आदि ने किया।
मौके पर स्केलर जॉब्स के प्रोग्राम मैनेजर संतोष कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समेत काफी संख्या में युवक युवतियां मौजूद थीं। रोजगार हेतु 1200 युवक युवतियों का बारी बारी से रजिस्ट्रेशन किया गया, साथ ही इन्हें रोजगार देने की प्रक्रिया में शामिल कराया गया। युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में कुल 12 एजेंसी आज शामिल हुई हैं। इन एजेंसियों के द्वारा विभिन्न स्किल्स में जैसे कि बिजनेस प्रोग्राम, डेटा एंट्री, मशीन फिटिंग, वेल्डिंग इत्यादि अन्य ऐसी छोटी छोटी ऐसी नौकरियों के लिए रोजगार के लिए लोग आए हैं। जो हमारे युवा यहाँ पे ट्रेंड है, इनको रोजगार मिल सके। दीनदयाल ग्रामीण कौशल इस योजना का लक्ष्य ही यही है कि हर हाथ में कुछ ऐसे कौशल का विकास किया जा सके कि युवा वर्ग अपने लिए रोजगार खुद सृजित कर सके या आसानी से रोजगार को उपलब्ध हो सके, उनको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। तेलंगाना पुलिस ने जामताड़ा में छापेमारी कर 4 साइबर अपराध के आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडी गांव से साइबर अपराधी रामू मंडल को गिरफ्तार किया है। उसने 1,00,000 रुपए साइबर के माध्यम से ठगी किया था। उसके खिलाफ तेलंगाना साइबर थाने में मामला दर्ज है। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि साइबर ठग रामू ने रानीगंज निवासी बाबूलाल किस्कू, रुपए डी से आसिन किस्कू, मिहजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव के निवास मंडल के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया था। पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त चारों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आदमी को गिरफ्तार कर दिया। उसमें मेन जो है रामू मंडल ने ऑपरेटर किंग पिन है, उन्होंने कर्मतार एरिया से टेलीकॉलिंग चला रहे, वो जंगल एरिया से टेलीकॉलिंग चला रहे, उनका अंडर 2-3 आदमी, 4 आदमी के रखे टेलीकॉलिंग चला रहे। ये जो है ये लोग अकाउंट सप्लायर है, रिमेनिंग 3 आदमी अकाउंट सप्लाई करता है। जामतारा एरिया और बीवा एरिया से तो इनका रिलेटिव से फ्रेंड से अकाउंट मांग के इनको सप्लाई करता। अकाउंट से पैसा आने के बाद ये लोग विड्रा करके इनको 15% देता, रिमेनिंग अमाउंट इनको रिमेनिंग 85% उनको देता। चलती ट्रेन में यात्रियों का पर्स छीन कर भागने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को झारखंड के जामताड़ा आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जामताड़ा के अन्नू कुमार रावत, अल्ताफ अंसारी तथा प्रेम हरिजन शामिल है। आरपीएफ इंस्पेक्टर पी के सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज निवासी शिवा मांझी जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर फोन में बात कर रहे थे, तभी तीनों अपराधी उसका मोबाइल छीन कर भागने लगे। लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ ने एक युवक को पकड़ लिया और उसी की निशानदेही पर मोबाइल तथा अन्य 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई। एक आदमी मोबाइल से बात कर रहा था, उसका मोबाइल आपको छीन करके भाग रहा था, उसी में हम ड्यूटी आरपीएफ एएसआई पीके रहा है और कांस्टेबल जी मिश्रा है, दौड़ा करके एक आदमी को पकड़ा, 2 आदमी भाग गया। उसे पूछताछ किया गया तो बोला कि सर मोबाइल उन लोग के पास है, हम लोग तीनों साथी मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। उसके बाद आपको एक तो पकड़ के ले आए, हम लोग पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद वो बोला कि शाम तक सर हम लोग उसको पकड़वा देंगे। खबरों में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरें भी और भी हैं। आगे की खबरें देखिए मेरी सहयोगी प्रीति सिंह के साथ। हाय, आई एम निकिता शर्मा एंड यू आर वाचिंग INN24। हेलो, दिस इज पलक नास एंड यू आर वाचिंग INN24। हाय, माय नेम इज पूजा शर्मा एंड यू आर वाचिंग INN24। हाय एवरीवन, आई एम खुशबू रेवतकर, प्लीज वॉच INN24 इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद पहली। झारखंड के जामताड़ा में 22 दिसंबर को संथाल परगना स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न आदिवासी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने जामताड़ा के गांधी मैदान में एक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 1 दर्जन से अधिक संगठनों ने भाग लिया। सम्मेलन में जामताड़ा के अलावे धनबाद और देवघर से भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक संजय पाहन ने कहा कि संथाल हुल के परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना का गठन हुआ। पूर्वजों के आंदोलन का नतीजा था कि अंग्रेज संथाल परगना जिला का गठन करने को मजबूर हो गए, लेकिन इतने वर्षों बाद भी हमारा विकास नहीं हो पाया है। दुमका में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पहले शहरों में ही दिखाई पड़ता था, लेकिन अब यह गांव की ओर भी दिखने लगा है। कुछ व्यवसायियों ने पत्थर खदान इलाके के आसपास गांव में स्वच्छता अभियान की एक रैली आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही इन इलाकों में पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राओं के बीच गर्म वस्त्र और पढ़ने की सामग्री भी वितरित की।
स्वच्छ अभियान हमारे जो माइनिंग विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोग माइंस एसोसिएशन वाले सब यहाँ उपस्थित हुए हैं घुसाईपाड़ी के स्कूल में। यहाँ छोटे बच्चे को, यहाँ के बच्चों को आप देख सकते हैं, अनेक बच्चों के तन में वो नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग उसी अभियान में इनके लिए कुछ गर्म कपड़े और कुछ स्कूल की पढ़ाई की सामानें लेके आए हैं और इनके और इन्हें हम लोग देंगे, इनको हम लोग बांटेंगे। अभियान जो चल रहा है इसी के लिए हम लोग स्कूल में आया है, जे आदमी को अवेयरनेस देने के लिए जे साफ सफाई रखे और शौचालय यूज़ कीजिए, तो अगला क्या होगा, आदमी को बीमारी नहीं फैलेगा और साफ सफाई रहने से सबका भलाई होगा। ये अवेयरनेस के लिए हम लोग कुलकुली माइंस ऑनर एसोसिएशन का तरफ से सब आदमी को अवेयरनेस देने के लिए हम लोग एकजुट हुआ है। और स्कूल का जो बच्चे लोग है जिसका कपड़ा उपड़ा नहीं है, हम लोग कपड़ा उपड़ा अगर हम लाया है उन लोगों का देने के लिए। हमारा क्षेत्र में पत्थर मैंस चल रहा है और पत्थर मैंस के एसोसिएशन के तरफ से आज कुछ स्वच्छता भारत मिशन का आयोजन किया गया है और ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि स्वच्छ रहो, ग्राम स्वच्छ रखो, स्वच्छ मन स्वच्छ तन, तब ग्राम में कुछ विकसित होगा। और इस ठंड के सीजन में पत्थर एसोसिएशन के तरफ से कुछ स्वेटर वगैरह और कुछ सामान ऐसे आया है जो बच्चा लोग का काम में आए। उपराजधानी दुमका में सालों से लंबित उड़ान एकेडमी खोलने का सपना पूरा हो गया है। राज्य नगर विमान ने दुमका में उड़ान एकेडमी की शुरुआत आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। उड़ान एकेडमी के शुरू हो जाने से अब यहां के लोग नए साल में आसमान की भी सैर कर पाएंगे। ज्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि सिन्हा सर की ट्रेनिंग बहुत खूब है और बहुत अच्छे से सिखा रहे। पहले तो पायलट को बहुत कंफर्टेबल बनाते कॉकपिट में और फिर जब हम कंफर्टेबल होते तो हमारे लिए लाइक एवरी पॉइंट यू नो सिखाते एंड देन हमको प्रैक्टिस दे रहे बहुत सारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के क्या फ्यूचर में सोचा आपने? इंस्ट्रक्टर बनेंगे मोटर ग्लाइडर्स पे सिन्हा सर के अंडर ट्रेनिंग लेके। प्रशिक्षण उड़ान है और ग्लाइडिंग अनुभाग का एक शाखा जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो यह शाखा निरंतर चलते रहेगा और नियमित रूप से प्रशिक्षण आबाधिक रूप से चलेगा। यहाँ पर नामांकन का प्रक्रिया चल रहा है, शहर के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पर पूरे राज्य से पूरे देश से कोई भी आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिंबॉलिकली जो है फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है एक्टिव हो गया है, दो दिनों पहले ही जो है फ्लाइंग की एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, लगातार फ्लाइंग हो रही है यहाँ पे। जो नए फ्रेश इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो भी अभी किए जाने हैं और 15 जनवरी से ओपन जॉय राइड जिसको कहते हैं कि पब्लिक का भी एक्सेस हम लोग देंगे, जिसमें एक टोकन अमाउंट सांकेतिक राशि ली जाएगी, तकरीबन 800 से 1000 रुपये की राशि होगी, लेकिन उनको एक जॉय राइड दिलवाया जाएगा, उसमें उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और दुमका के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जो है हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ जो है ग्लाइडर्स हैं यहाँ पर और जो भी फ्लाइंग क्लब का मेंबर बनना चाहता है गवर्नमेंट की सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है, उसके तहत जो है सर्टेन अमाउंट उनको पे करने हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट के थ्रू उनको एग्जामिन किया जाएगा और वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। झारखंड में पहली बार ये एक्टिविटी दुमका में जो शुरू हो रही है, ये पूरे इंडिया में ऐसी इंस्टीट्यूट रहेगी नहीं क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है। ये देखकर खुशी होती है कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंडिया में सबसे बड़ा ग्लाइडिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए एयरपोर्ट बनेगा और सबके लिए प्रेरणादायक रहेगा ये और सब अपने बच्चों के लिए भी प्रेरणा रहेगी उसकी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी बिरजू गंजू को गुमिया से बिहार की ओर जा रही टाटा सुमो गाड़ी में अवैध शराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हरकत में आई विष्णुगढ़ पुलिस द्वारा स्टेशन बनासो के समीप वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन जांच के दौरान सफेद रंग के टाटा सुमो के डिक्की और सीट के नीचे से 72 बॉटल शराब बरामद किया गया है, जिसमें मेड इन हरियाणा का लोगो लगा हुआ है। फिलहाल पूछताछ में आरोपी कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है, हालांकि पूर्व में भी तस्करी की बात सभी आरोपियों ने स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार अभी गाड़ी के मालिक का पता नहीं चल पाया है, फिलहाल गाड़ी भी चोरी की होने की आशंका जताई जा रही है।
गुमला में सड़क हादसे में पुलिस जवान व दो महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सड़क हादसे में एक पुलिस जवान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला अस्पताल भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इसदोर लकरा भूटान के बॉर्डर पर तैनात थे और तीन दिन पहले क्रिसमस पर्व समारोह में भाग लेने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे। वे अपने रिश्तेदार के साथ निजी वाहन से ददरा किसी रिश्तेदार के यहाँ शोक सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तभी टुटरमा मोड़ के समीप बुलेरो अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतना जोरदार था कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें इसदोर लकड़ा की मौत हो गई व चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ शांत नगर से बदल के निकले तो कटकरिया से पीछे मोड़ था, बस मोड़ ही नहीं पाया, लेकर किस काम से जा रहे थे? गुमला में JSLPS के तत्वाधान में विकास भवन के सभागार में जौहर योजना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव परितोष उपाध्याय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। महिला और कृषक समूहों का गठन कर वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि ये 6 वर्षीय योजना है, जिसमें राज्य सरकार 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।